मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए अमित शर्मा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा 26 अक्टूबर को वृंदावन में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर ब्रज रतन सम्मान समारोह और संत समागम के निमंत्रण पत्रिका का विमोचन विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय सनातनियों का है, इस समय स्वर्ण काल चल रहा है, श्री राम मंदिर बनने वाला है और काशी विश्वनाथ का निर्माण हो चुका है। वृंदावन में संत समागम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का जो कार्ड बना है, जो 26 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्ड का विमोचन स्वयं आदरणीय बड़े दिनेश जी, जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रमों के द्वारा किया है। कार्यक्रम 26 अक्टूबर को वृंदावन में श्री कृष्ण रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के अंदर जो विवेकानंद ऑडिटोरियम है उसमें संपन्न होगा। और अगली खबर की ओर देखिए, मथुरा से अमित शर्मा की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक विशाल शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा आगरा जनपद से स्टार्ट होकर मथुरा पहुंची। मथुरा में सभी हिंदुओं ने इसका स्वागत किया और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा हिंदुओं के शौर्य के प्रदर्शन के लिए निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया। इसमें 10 से 12 हजार की संख्या में हिंदुओं ने भाग लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। इसको बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ये जागरण यात्रा है, जो कि आगरा से आई है। मथुरा में भव्य जगह जगह इसका भव्य स्वागत हुआ है, उसके बाद समापन इसका यहाँ हुआ है, यहाँ की आप देख रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो है शौर्य जागरण यात्रा, जो कि आगरा से चल के मथुरा आई है, सबसे पहले उनका स्वागत किया गया और पूरे मथुरा के जो प्रमुख बाजार हैं उन बाजारों में जो शौर्य यात्रा है वो निकाली गई दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से। पूरे देशवासियों के लिए ये एक मैसेज है कि हमारा भारत देश समुचित है, संगठित है, एकता में है और शौर्य गाथा के लिए प्रेरित करता है। अगली खबर देखिए अभिषेक अग्रहरी की। परेंदा के एक निजी मैरिज हॉल में रमा टेक्निकल का वार्षिक समारोह मनाया गया, जिसमें चीफ डायरेक्टर राजगोपाल मिश्रा, अध्यक्ष मंतोष कुशवाहा द्वारा शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। रमा टेक्निकल कॉलेज देश और समाज के विकास में सहयोग देने वाली एक प्रमाणित संस्था है, जो व्यवहारिक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ सभी प्रकार की शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, फायर एंड सेफ्टी, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शॉर्ट टर्म कंप्यूटर एंड वोकेशनल कोर्स कराती है, जिसका आज वार्षिक समारोह मनाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए, गोंडा से आलोक तिवारी की। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बालपुर बाजार में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम के द्वारा 3 दिन पहले अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अनाउंसमेंट किया गया था। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए, ब्रिजेश पांडे की। सिद्धार्थनगर के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में पीस पार्टी का एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। पीस पार्टी द्वारा संपूर्ण स्वराज रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब सहित कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मौजूद है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब ने बताया कि कांग्रेस सपा बसपा ने मुसलमानों को उपेक्षित रखा है। इस दौरान उन्होंने देवरिया कांड को लेकर बताया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। राजनीतिक कार्यक्रम में दो मकसद होता है, एक मकसद है कि पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और दूसरा मकसद है कि आने वाले लोकसभा की तैयारी की, चुनाव की तैयारी करना। मैं समझता हूं कि ये तो प्रशासनिक काम है, जो सत्ता शासन में है वो उनकी जिम्मेदारी, अधिकारी तो वही काम करता है जो सत्ता शासन चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहेंगे, जो स्थिति इस समय है प्रदेश में? लॉ एंड मैं यही कहूंगा कि आज की जो सरकार है वो धर्म और जाति देख करके फैसले करती है और मैं समझता हूं कि ये देश के संविधान के लिए, आज की जो हमारी जनता है उसके लिए हित में नहीं है और मैं समझता हूं कि इसका पीस पार्टी इसका विरोध करती है, इसका प्रश्न करती है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमौसी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की वर्दी पहने एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान हरदोई निवासी सचिन कुमार राठौर के रूप में हुई है। सीआईएसएफ की वर्दी में एयरपोर्ट के आसपास घूमकर सेल्फी ले रहे एक संदिग्ध युवक को सीआईएसएफ ने जब रोककर उससे पूछताछ की तो वो भागने लगा। वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ा तो वो फर्जी निकला। जवानों ने अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे सरोजनी नगर पुलिस को सौंपा।
कौशाम्बी की महिला के साथ लखनऊ में हुआ रेप। बता दें कि कुछ दिन पहले कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और दूसरी पार्टी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी पैरवी को लेकर कविता पांडे नाम की महिला लगातार राजधानी लखनऊ में चक्कर लगा रही थी। इसी दौरान दो युवकों से उसकी मुलाकात हुई। इन दोनों युवकों के साथ एक महिला भी थी। इन्होंने लखनऊ के होटल में नशीली दवा खिलाकर महिला के साथ रेप किया। जनपद कौशाम्बी में इनके द्वारा कुछ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं और इनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत है, जिसकी पैरवी के संबंध में ये कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी। लखनऊ में इनकी मुलाकात एक महिला और दो लोगों से हुई और जो दो व्यक्ति थे उनके द्वारा इन्हें दिलासा दिलाया गया कि ये शीघ्रता के साथ इनकी पैरवी कराएंगे और उचित जगहों पर इनकी मुलाकात भी कराएंगे। इसके उपरांत इनमें से एक व्यक्ति के साथ ये एक होटल में गई जहाँ पे ये दोनों लोग रुकने के लिए इन्होंने कमरा लिया और वहाँ पे दवा देने के नाम पर उस व्यक्ति ने इनको एक दवाई दी जिससे ये बेहोश हो गई और वहाँ पर जब ये सुबह उठी तो इनको ये ज्ञात हुआ कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है। पीआरवी कर्मियों द्वारा थाना स्थानियों को भी सूचना दी गई और महिला पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल पहुंच के इनसे वार्ता की गई और इनका मेडिकल कराया गया। तहरीर प्राप्त कर इस प्रकरण में अभियोग हमारे द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है और जांच के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के इकामा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने। दोनों टीमों के बीच 12 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए, बिजनौर से रविंद्र कुमार। उदयपुर में गुलदार के हमले से किशोरी घायल हो गई। किशोरी को उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने हायर सेंटर रेफर किया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार को पकड़ने की मांग की। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए, रविंद्र कुमार। बिजनौर के चांदपुर में एसडीएम और सीओ होटल चेकिंग पर निकले, जिससे होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। देर शाम पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। एसडीएम सीओ ने करीब 6 से 7 होटल चेक किए। एक होटल में ना तो संचालक और ना ही कर्मचारी मिला। एसडीएम सीओ होटल की रैंडम चेकिंग पर निकले थे। उन्होंने होटल के रजिस्ट्रेशन और इलीगल एक्टिविटी चेक की है। साथ ही बताया कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। हमला कर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। लुहलुहान घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को हायर मेडिकल सेंटर किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए, फिरोजाबाद से विजय राठौर। फिरोजाबाद में पुलिस ने ठेके के पीछे छापा मार कर 4 लोगों को जुआ खेलते हुए दबोचा। पुलिस को बदमाशों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, नकदी बरामद हुई है। 4 आरोपियों में से एक पर कई लोगों की हत्या के संगीन आरोप पहले से हैं। पुलिस ने सभी बदमाशों को जेल भेजा। एसपी रणविजय सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस को बदमाशों के पास से ताश के पत्ते, 21,500 रुपए, एक देसी पिस्टल, 32 बोर, एक तमंचा, 315 बोर, अदद तमंचा 12 बोर, तमंचा के साथ ही 26 कारतूस, 32 बोर, 315 बोर, 12 बोर, सोने की चेन और 2 बाइक बरामद की। देखिए, जो अपराधियों के ऊपर हमलों की कार्रवाई चल रही है उसी क्रम में एसएचओ सिकोहाबाद और थाना की टीम ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक राम नरेश एचएसबी है, उसके ऊपर 15 मुकदमे पहले के हैं और ये चारों किसी न किसी तरह के अपराध करने की साजिश कर रहे थे। राम नरेश के द्वारा भी कुछ जघन्य अपराध करने की साजिश थी। इसकी सूचना हम लोग को मिली थी और एक टिप ऑफ पे हम लोगों ने इन चारों को अरेस्ट किया है। इनके पोजिशन से 3 असलहे बरामद हुए हैं, 26 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनके पोजीशन से 21,000 रुपए बरामद हुए हैं और कुछ ताश के पत्ते भी बरामद हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।